टाइम लगेगा हमारी बाइक ट्यूनिंग होने में? तकरीबन 45 से 50। जी हम निकल पड़े हैं घर से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक। जी आप सब लोग कैसे हैं? जी आज का वीडियो बनाने का मकसद था क्योंकि मैं अभी जा रहा था 150 की अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाने के लिए, तो वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको हम बताएंगे आज GS150 और GD110 GR150 का नया रेट बताएंगे और कंपनी वाले देते हैं 0% मार्क पे, तो उस पर हम मतलब कि वीडियो बनाएंगे जाके अभी क्या रेट चल रहा है, अभी कितने परसेंट वो ले रहे हैं। अभी भी काफ़ी ऐसे भाई हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि GS150 या सुजुकी वाले कोई भी अपनी बाइक मतलब के इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, तो आपको मिलते हैं हम रास्ते में। जी हम निकल पड़े हैं घर से और मेरा घर है धर्मपुरे के पास ही लगता है, गरीशो के पास कह लें या धर्मपुरे के पास कह लें, एक ही बात है क्योंकि मैं मिड में रहता हूँ तो अंदर सोसाइटी में ना, तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर मेन रोड पर और आपको मिलेंगे हम बाहर जाकर मेन पे। अच्छा मैं आपको पहले भी आपको शायद लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बाइक उधर मतलब कि टूर करके आया जो अभी लास्ट टाइम, तो उसके टूर करने के बाद ही अगले दिन ही भाई मेरा चला गया था, वो भी इधर ही गया था जहाज़ बांडा और कुमराट, मतलब कि वो 2 दिन का टूर करके आया था, वो आगे नहीं था गया। तो बाइक में मतलब कि बहुत ज़्यादा भी मसले आ रहे थे, जिस तरह इसका ना अभी ना हैंडल लूज़ हो गया है, मतलब कि जब जंप वगैरह आता है या नीचे मतलब कि सड़क ख़राब होती है, आप खड्डा कह लें टोया कह लें की बात है, तो तब मतलब कि ना हैंडल में ना थोड़ा सा ना प्ले फील हो रही है, तो वो चीज़ एक वो मसला है। और दूसरा जो बाइक है ना वो मतलब कि अभी पिक नहीं दे रही, वो बाइक 90-95-100 से ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जा रही। मेरी मुगलपुरे हम पहुंच चुके हैं, अब मुगलपुरे का अंडरपास हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा उधर है यासिर भाई, बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ मेरी अभी कल बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप कल आना, कल मैं आपको टाइम दूंगा, तो कल आप 4 बजे तक आ जाना। अभी 4 बजे से ऊपर टाइम हो गया, 4:30 हो गए हैं, अभी देखिए अभी जाके क्या कहते हैं और क्या रिस्पॉन्स करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है वो करवा देंगे और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नाइस पर्सन है। मैं अभी जाके अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। सुजुकी का शोरूम है, यहाँ पे हम बाहर लगाएंगे बाइक। अजीम भाई हमारी बारी आ गई है और बाइक जा रही है अंदर, अभी मेरे ख्याल से वो टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट करके आएंगे तो फिर वो देखेंगे क्या क्या मसला है। बाइक हमारी ड्राइव हो गई है और वो आए हैं अभी, जाके भी मुझे बताते हैं क्या मसला है, अभी तो उन्हें मैंने कुछ नहीं बताया, अभी अंदर जाएंगे तो वो मुझे बताएंगे। जी अजीम भाई, और उनको मैंने बाइक का फॉल्ट बताने से पहले इन्होंने मुझे बता दिया कि आपकी बाइक में ये फॉल्ट है, क्योंकि ये पहले ड्राइव करके आए हैं और इन्होंने मुझे आपको बताया कि आपके बाइक के हैंडल में बहुत ज़्यादा प्ले है, मैं आपको भी रस्से में बता रहा था, और बाइक आपकी बहुत मतलब कि ना गुडी गुडी चल रही है, मतलब कोई जोर ले रही है। तो जी अजीम भाई कितना टाइम लगेगा हमारी बाइक ट्यूनिंग होने में? तकरीबन 45 से 50। और इसका जो हैंडल में प्ले है वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और बाइक में जो मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा गुडी गुडी चल रही है इंशाल्लाह वो बेहतरीन जगह स्मूथनेस आ जाएगा। चलो जी इनको हम मिलते हैं, इनको काम करने दें और हम आपको दिखाते हैं जब ये बाइक मतलब के ट्यूनिंग करेंगे, हम आपको उस टाइम दिखाएंगे, जब इनको तंग ना करें, इनका काम का टाइम और काम टाइम भी इनके पास शॉर्ट है। बाइक का फिल्टर इन्होंने खोला है और फिल्टर भी हो रहा वाश, इसके बाद बाइक की हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी, क्योंकि फिल्टर को जब वॉश करते हैं ना तो उसको टाइम लगता है सूखने में, तो अभी वॉश करने में सबसे पहले जो एक्सीलेटर था बहुत ज़्यादा हार्ड था और इसमें ऑयल वगैरह भी लगाए, नरम हो गया, और इसी तरह ही इसकी जो क्लच वायर थी उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड था, अभी ये भी जो है ना नरम हो गया, अभी तो वैसे खुला हुआ नीचे से,
तो इसकी जब मैंने उस दिन ट्यूब चेंज करवाई ना बाइक की, तो मतलब कि उनसे ना व्हील से इतना इसका बैठा नहीं है, जिसकी वजह से मैंने अजीम भाई को कहा कि इसको खोल के ना तो आप इसका बैलेंस एक्यूरेट कर दें, क्योंकि इसका बैलेंस जो उनसे ना वो नहीं ठीक है। फिर मैं अभी गया था यासिर भाई के पास, तो यासिर भाई कर रहे हैं काम, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थे, उन्होंने बाइक वगैरह भी डिलीवर करनी थी। फाइनली तो बाइक हमारी हो गई है और अभी लगा रहे हैं फिल्टर लगा के इसका काम हो जाएगा ख़त्म, और अभी मेरे ख्याल से यासिर अभी 10 मिनट लगेंगे बाइक ओके हो जाएगी। आप बाइक हो गई है फाइनली ओके, और अजीम भाई अभी गए हैं इसको ट्राई करने के लिए, वो ट्राई करके आएँगे तो फिर आगे बाइक कर दी है उन्होंने फाइनली ओके, राइड करके आए यानी फाइनली बाइक हमारी होगी ओके, अजीम भाई ने कर दी है ओके हमारी बाइक, अभी हैंडल में लेट थी और ब्रेक में आवाज़ कर रही थी वो भी ओके कर दी थी, अजीम भाई ओके हो गया बाइक इंशाल्लाह। और कितनी देर चल जाएगी हमारी बाइक में, तो ट्यूनिंग हो जाएगी कितनी देर, 2000 किलोमीटर चल जाएगी मेरी। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी। अस्सलाम वालेकुम।